बाराबंकी जिलाधिकारी कार्यालय का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। यहाँ पर पहले अंग्रेज आईसीएस के रूप में श्री सी ए शेरिंग पहले आईसीएस के रूप में यहाँ बाराबंकी के जिलाधिकारी तैनात हुए। उसके बाद अगर पहले आईसीएस भारतीय मूल के बात की जाए तो बी एन मेहता पहले आईसीएस बने और 1952 तक जो आईसीएस का सिलसिला चला उसमें कुल 13 से 14 जो है भारतीय मूल के आईसीएस बने, लेकिन 1952 में बाराबंकी के आईएएस के रूप में पहली बार अंग्रेज के एपी स्टीवेंसन पहले आईएएस के रूप में तैनात हुए। और जहां तक भारतीय मूल की बात की जाए तो 1953 में एसपी पांडे भारतीय मूल के पहले आईएएस बाराबंकी के बने। उसके बाद जो सिलसिला आईएएस का शुरू हुआ तो अब तक कुल मिला के बाराबंकी में 86 आईसीएस और आईएएस तैनात रह चुके हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहली बार बाराबंकी में ये जो जिलाधिकारियों का बोर्ड लगा है, तीनों बोर्ड ये आज ही लगाए गए हैं। इससे पहले सिर्फ यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ करता था जिसमें जिलाधिकारियों की लिस्ट थी और कुल 27 जिलाधिकारी थे। लोग बाराबंकी में जिलाधिकारियों के इतिहास को जान सकें, अधिकारी अवगत हो सकें कि यहाँ पर कितने जिलाधिकारी अब तक रह चुके हैं, उसके लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं। बाराबंकी से ईटीवी के लिए अखिल पांडे।